हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्काईवे लर्निंग हब पे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, क्लास 9 की मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने आपका फर्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम क्या था, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के अंदर हमने एक लेक्चर भी ले लिया है, और फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में हमने क्या बताया था आपको, दो टाइप की क्लासिफिकेशन होती है, एक रियल नंबर और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, जिसमें कि सबसे बड़ा सेट किसका होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है। उसके बाद हमने फर्दर क्लासिफाइड किया था रियल नंबर्स को। रियल नंबर्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, ठीक है। तो ये टाइप्स थे किसके, रियल नंबर्स के। फिर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम सेकेंड लेक्चर ले रहे हैं नंबर सिस्टम पर, और सेकेंड लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, कुछ रिजल्ट्स पढ़ेंगे जो कल हमने डिस्कस किया था। तो उन्हीं पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकल के आते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा नीचे, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको हमारा फर्स्ट लेक्चर वहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। और आपको लेक्चर्स कैसे मिलेंगे, अल्टरनेट डेज पे। मीन्स अगर आपको आज एक लेक्चर मिल रहा है तो इसके एक दिन छोड़ के आपको सेकेंड लेक्चर मिलेगा, ठीक है। तो वीक में आपको 3 लेक्चर्स मिलेंगे मैथमेटिक्स के क्लास 9, ऐसे ही क्लास 10th के भी 3-3 लेक्चर्स पर वीक मिलेंगे, ठीक है। तो अल्टरनेट डेज पे आपको लेक्चर्स मिलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। तो आज की क्या हेडिंग रहने वाली है, आज की हेडिंग रहने वाली है सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, तो उनको डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ रिमाइंड कराना चाहता हूँ जो हमने कल पढ़ा था। कल हमने बताया था एक नेचुरल नंबर का सेट होता है, ठीक है, ये नेचुरल नंबर का सेट है। उसके बाद हमने बताया था इससे भी बड़ा सेट होता है होल नंबर का, किसका होता है, होल नंबर का। तो इस डायग्राम से हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो पोर्शन है नेचुरल नंबर सेट वाला जो पोर्शन है, ये सब किसके अंदर ऑक्यूपाइड है, होल नंबर सेट के अंदर। तो हम क्या यहाँ पर कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब होल नंबर हैं, कह सकते हैं या नहीं कह सकते, क्योंकि होल नंबर सेट के अंदर ही तो नेचुरल नंबर आ रहा है। तो यहाँ पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट तो यही निकल के आता है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट यहाँ पे लग जाता है, बट क्या लग जाता है, बट क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है आपका ये सेट के अंदर, यहाँ पर जो नंबर होंगे वो नेचुरल नंबर नहीं होंगे, ठीक है, जबकि वो होल नंबर है, क्योंकि होल नंबर का सेट ही है पूरा। तो यहाँ पे पहला पॉइंट तो यही बनता है, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट ऑल द होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। तो पहला पॉइंट यही लिख लीजिए आप, पहला पॉइंट क्या है, ऑल द नेचुरल नंबर्स All the natural numbers are whole numbers. All the natural numbers, all the whole numbers, but क्या हो जाएगा, but all the whole numbers are not the natural numbers. ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या बन के आया हमारे पास, पहला रिजल्ट क्या निकल के आया, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट ऑल द होल नंबर्स आर नॉट द नेचुरल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद हमने सेट पढ़ाया था इंटीजर्स का, किसका सेट पढ़ाया था, इंटीजर्स का। तो इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते थे, ठीक है, इंटीजर्स को किससे डिनोट करते थे, हम जेड से। तो यहाँ पे हम अब देख सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स हैं और सारे होल नंबर्स इंटीजर्स हैं, और उसी तरीके से ऑल द इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। तो यहाँ पे सेकंड रिजल्ट निकल के आएगा, ऑल द होल नंबर्स आर द इंटीजर्स बट ऑल द इंटीजर्स आर नॉट द होल नंबर्स। सेम कंडीशन यहाँ पे लगेगी, जैसे कि ये पोर्शन है जो यहाँ पे जो नंबर्स होंगे वो इंटीजर्स तो होंगे बट होल नंबर नहीं होंगे और ना ही तो नेचुरल नंबर होंगे। तो सेकंड रिजल्ट यहाँ से निकल के आता है, क्या निकल के आता है लिख लीजिएगा, सेकंड रिजल्ट ये निकल के आता है।
तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास सेकंड रिजल्ट निकल के आया। सेकंड रिजल्ट पढ़ते हैं। ऑल दी होल नंबर्स आर इंटीजर्स, जितने भी होल नंबर्स हैं वो किसके अंदर आ रहे हैं, इंटीजर्स के अंदर। तो क्या हो जाएगा, ऑल दी होल नंबर्स आर इंटीजर्स बट ऑल दी इंटीजर्स आर नॉट नेसेसरी टू बी द होल नंबर्स। बट जितने भी इंटीजर्स हैं वो नेसेसरी नहीं कि होल नंबर हों, ठीक है। कुछ हो भी सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते हैं। नहीं कौन से होंगे, जो इस पोर्शन में लाई करेंगे, ठीक है, वो होल नंबर नहीं होंगे। तो ये इस तरीके से सेकंड रिजल्ट निकल के आता है। उसी तरीके से हमने बताया था कि इंटीजर से भी बड़ा सेट किसका होता है, रेशनल नंबर्स का। किसका सेट होता है, रेशनल नंबर, जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। तो इसमें भी सेम रिजल्ट निकल के आता है, सेम रिजल्ट जैसे हमने ये आपको लिखवाया है सेकंड वाला। कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इस डायग्राम के द्वारा समझते जाइए, आसानी से हो जाएगा। अब देखिए, जितने भी इंटीजर्स हैं, ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर के अंदर आ रहे हैं ये सब सारे के सारे इंटीजर्स, ठीक है। तो ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर बट ऑल द रेशनल नंबर्स आर नॉट नेसेसरी टू बी द इंटीजर्स। तो ये पॉइंट आप खुद से लिख सकते हैं। देखिए ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे जो रेशनल नंबर्स हैं वो इंटीजर्स नहीं हैं, ठीक है। तो सेकंड थर्ड पॉइंट भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं, ऑल द रेशनल नंबर्स आर नॉट नेसेसरी टू बी द इंटीजर्स बट ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ठीक है। ये आपका थर्ड पॉइंट बनता है। उसके बाद हमने क्या बताया था, इससे भी बड़ा सेट किसका होता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर नहीं होते उनको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। तो वो एक अलग सेट बन जाता है उसका। बट यहाँ पे देखिएगा, इससे भी बड़ा सेट अब किसका बन करके आता है, रेशनल हो गया, इरेशनल अलग सेट हो जाता है। अब इरेशनल सबसे बाहर लास्ट में आता है हमारे पास रियल नंबर का सेट। किसका आता है, रियल नंबर का सेट। तो हम कह सकते हैं ऑल द रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, ऑल द रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स बट ऑल द रियल नंबर्स आर नॉट नेसेसरी टू बी द रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे जो हमारे बचेंगे नंबर्स वो कैसे हो जाएंगे, इरेशनल नंबर्स। कैसे हो जाएंगे, इरेशनल। तो क्योंकि हमें पता है जो रियल नंबर है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है, रेशनल और इरेशनल का, ठीक है। तो जो बच जाएंगे वो इरेशनल हो जाएंगे, मीन्स जो रेशनल नंबर नहीं है। तो इसी तरीके से आपका फोर्थ पॉइंट भी हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट में भी आप यही लिखेंगे, ऑल द रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स बट ऑल द रियल नंबर्स आर नॉट नेसेसरी टू बी द रेशनल नंबर। ये आपका फोर्थ पॉइंट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फोर्थ पॉइंट भी, ठीक है। और हमने आपको बताया था रियल नंबर क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। किसका कॉम्बिनेशन होता है, रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर। तो ये आपका फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, मैं बोले दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, ऑल द रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है। मीन्स अगर हम रेशनल नंबर सेट और इरेशनल नंबर सेट को कंबाइंड कर देंगे, ठीक है, तो फाइनली जो हमको सेट मिलेगा वो किसका होगा, रियल नंबर का सेट होगा, ठीक है। ये कि रियल नंबर जो होता है वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बना होता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था क्लासिफिकेशन में, स्टार्टिंग में रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर से भी बड़ा क्या होता है, रियल नंबर से भी बड़ा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे भी सेम रिजल्ट निकल के आता है, रिजल्ट नंबर सिक्स, ठीक है। रिजल्ट नंबर सिक्स में आप क्या लिखेंगे, ऑल द रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या लिखेंगे, ऑल द रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स बट ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर नॉट नेसेसरी टू बी द रियल नंबर। ये आपका हो जाएगा सिक्स्थ पॉइंट, ठीक है। ये आपका कौन सा पॉइंट हो जाएगा, सिक्स्थ पॉइंट। मीन्स कहने का मतलब जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, रियल नंबर कॉम्प्लेक्स है। सपोज दैट आपने टू बोला, तो आप बोलेंगे भैया ये टू तो रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो है नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, एक रियल पार्ट आता है प्लस में एक इमेजिनरी पार्ट आता है। बताया था हमने आपको ये किस फॉर्म में होता है, ए प्लस आई बी की फॉर्म में होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर सी है कोई भी, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सी ए प्लस आई बी की फॉर्म में आता, तो भैया यहाँ पे टू तो यहाँ पे तो केवल टू ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स रियल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रियल पार्ट हो गया। तो जब ये रियल है तो रियल नंबर हुआ, कॉम्प्लेक्स कहाँ से हुआ, कॉम्प्लेक्स है कैसे है, टू प्लस जीरो आई लिख सकते हैं हम,
जीरो आई लिख सकते हैं, क्योंकि हमने बताया था ए और बी क्या है, इंटीजर्स हैं, ए बी और क्या है इंटीजर्स हैं या रियल नंबर्स हैं, ए बी रियल नंबर्स हैं, तो यहाँ पे टू भी रियल नंबर है, जीरो भी रियल नंबर है। और जब हम जीरो की आई से मल्टीप्लाई कराएंगे तो जीरो ही तो आएगा, तो फाइनली ये क्या बन के आ जाएगा, टू। तो देखिए यहाँ पे रियल पार्ट भी है, इमेजिनरी पार्ट भी है, बट इमेजिनरी पार्ट जो है हमारा किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल। तो ये तो हो सकता है जीरो के इक्वल हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जीरो आई नहीं होता, होता है। तो इसी तरीके से कोई भी रियल नंबर हो, सारे रियल नंबर्स कैसे हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, बट ऑल दी कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर नॉट रियल नंबर। सपोज दैट हमने यहाँ पे लिख दिया 2i, तो 2i क्या ये रियल नंबर है, नहीं है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसी तरीके से हमारा सिक्स्थ रिजल्ट भी आता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और कुछ करंट पॉइंट है हमारा, जीरो इज अ रेशनल नंबर, जीरो इज अ रेशनल नंबर, जीरो इज अ रेशनल नंबर। अब आप कहेंगे जीरो रेशनल नंबर कैसे है, जीरो के डिनोमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं। अरे भाई एक बात बताइए, आप एग्जांपल के लिए अगर हम जीरो अपॉन वन, ये भी तो जीरो ही है, क्योंकि जीरो के नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। पी अपॉन क्यू की फॉर्म हो तभी तो रेशनल होता है, तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म है, वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। इसी तरीके से जीरो अपॉन अलेवन भी लिख सकते हैं, जीरो अपॉन 22 भी लिख सकते हैं, ठीक है, जीरो अपॉन 50 भी लिख सकते हैं, तो डॉट 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 ETC आप कुछ भी लिख सकते हैं जीरो अपॉन, बस क्या नहीं लिख सकते हैं, जीरो, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए ब्रैकेट के अंदर बट q नॉट इक्वल टू जीरो, q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जीरो क्या है, एक रेशनल नंबर है, यह आपका सेवन्थ पॉइंट हो गया। उसके बाद एट पॉइंट लिख लीजिए, एट पॉइंट बोलता है ऑल द इरेशनल नंबर्स, ऑल द इरेशनल नंबर्स, ऑल द इरेशनल, ठीक है, या तो इरेशनल्स लिख लीजिए, ऑल द इरेशनल्स आर रियल नंबर्स, क्या है, रियल नंबर्स, ठीक है। जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये आपका MCQ में आया था क्वेश्चन, ठीक है, ट्रू फॉल्स में भी आता है, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको याद कर लीजिएगा। 8 रिजल्ट्स आए हैं आपके, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, आई होप आपने ये सब नोट कर लिया होगा। अगर अभी नहीं नोट किया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हटा जा रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए इसको इरेज करते हैं। अब स्पेक्ट नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, सम इम्पॉर्टेंट इरेशनल नंबर्स, कुछ इंपॉर्टेंट इरेशनल नंबर्स हैं जिनकी वैल्यू आपको याद करनी है, और ये भी याद करना है कि ये इरेशनल नंबर है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो पाई होता है, ठीक है, पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है, पाई जो है इरेशनल नंबर है। बट जो पाई की वैल्यू होती है 22/7, ये रेशनल नंबर के फॉर्म में जो लिखी होती है, ये रेशनल नंबर होती है, इरेशनल नहीं होती है, ठीक है। तो पाई तो इरेशनल है, लेकिन इसकी वैल्यू जो 22/7 आती है वो रेशनल नंबर होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद हम कुछ पढ़ेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट इरेशनल नंबर। तो पहला इरेशनल नंबर क्या है, उन सबकी मैं वैल्यूज आपको लिखा दे रहा हूँ, .. ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, टू बी कंटिन्यूड, ये चलता ही रहेगा ऐसा, ठीक है, टू बी कंटिन्यूड, टू बी कंटिन्यू। और अप्रॉक्स वैल्यू हम इसकी कितनी लेते हैं, अप्रॉक्स वैल्यू कितनी लेंगे हम, 3.14, ये पाई की अप्रॉक्स वैल्यू होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा एक सेकेंड इरेशनल नंबर आता है, जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई, ठीक है। तो ई की वैल्यू कितनी होती है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू लिख लीजिएगा, इसकी वैल्यू होती है 2.71 2.7128
टू एट, ठीक है, 7182 81 8284 8284 8284 590 ...... ये भी ऐसा ही चलता रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है ये, टू बी कंटिन्यूड, ठीक है। और इसकी अप्रॉक्स वैल्यू कितनी होती है, 2.718, ठीक है, ये ई की अप्रॉक्स वैल्यू होती है 2.718। उसके बाद हमारा इरेशनल नंबर एक आता है जिसकी वैल्यू याद कर लीजिएगा रूट टू, ठीक है, रूट टू, रूट टू भी इरेशनल नंबर है और इसकी वैल्यू कितनी होती है लिख लीजिएगा, रूट टू की वैल्यू आती है 1.414 1.414 2135 2135 2135 6237 6237 ...... ये भी क्या है, टू बी कंटिन्यूड, ये भी नॉन रिपीटिंग डेसिमल। और इसकी भी अप्रॉक्स वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी अप्रॉक्स वैल्यू होती है 1.414, ठीक है, ये इसकी अप्रॉक्स वैल्यू आ जाती है रूट टू की। रूट टू के बाद आता है हमारा रूट थ्री, ठीक है, रूट थ्री की वैल्यू कितनी होती है ये भी लिख लीजिएगा, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, देखिए यहाँ पे कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, ना ही तो टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से रूट थ्री की भी वैल्यू आती है 1.732 0 7320 5080 5080 5080 7 5 6 7 5 6 ...... टू बी कंटिन्यूड, ये भी ऐसे ही चलता रहेगा। और इसकी अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आ जाती है 1.732 1.732, ठीक है, तो ये रूट थ्री की वैल्यू होती है। उसके बाद एक और है जो आपके सिलेबस में नहीं है, ना तो अभी आपको पढ़ने को मिलेगा, बट आप इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है, नॉलेज के लिए। इसको बोलते हैं गोल्डन रेशियो, क्या बोलते हैं, गोल्डन रेशियो। ये सिंबल है फाई का, ये किसका सिंबल है, फाई, ठीक है, ये फाई का सिंबल है और इसको बोलते हैं गोल्डन रेशियो। तो इसकी वैल्यू मैं बता दूंगा, बट समझ लीजिए गोल्डन रेशियो क्या होता है। गोल्डन रेशियो ये कहता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसको दो पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड करो कि इसका लॉन्गर पार्ट जो है ए है और स्मॉलर पार्ट क्या है, बी है, ठीक है। तो ए और बी में एक स्ट्रेट लाइन को हमने डिवाइड कर दिया, तो गोल्डन रेशियो कब आएगा, जब हम ए प्लस बी करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे दोनों पार्ट्स को, और जो बड़ा वाला पार्ट्स है उससे हम डिवाइड कर देंगे, ए प्लस बी अपॉन ए, ये इक्वल होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए, इन दोनों के रेशियो के बराबर, ए अपॉन बी, ठीक है, ए अपॉन बी। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसी रेशियो को हम बोलते हैं गोल्डन रेशियो, फाई। और फाई की वैल्यू कितनी होती है, ये किसके बराबर आएगा, 1.618 अप्रॉक्स वैल्यू है ये, ठीक है, अप्रॉक्स है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिए अप्रॉक्स, तो अप्रॉक्स इतना ही आएगा, ठीक है। तो डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस हमने आपको नॉलेज के लिए बता दिया गोल्डन रेशियो। तो गोल्डन रेशियो की वैल्यू कितनी होती है लिख लीजिएगा यहाँ पे, 1.618 0 33988 33988 33988 74, ठीक है। तो ये भी टू बी कंटिन्यूड है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है गोल्डन रेशियो। और गोल्डन रेशियो क्या होता है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, और जो इसका एक लार्जर पार्ट होगा एक स्मॉलर पार्ट होगा, दोनों को ऐड करेंगे और लार्जर पार्ट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ये इक्वल होना चाहिए लार्जर पार्ट अपॉन स्मॉलर पार्ट के रेशियो के बराबर। अगर ये दोनों रेशियो इक्वल हैं और 1.618 के करीब में आएंगे, ठीक है, तो इसी रेशियो को बोलेंगे हम गोल्डन रेशियो, ठीक है। तो ये तो गोल्डन रेशियो की बात हो गई। अब स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में तो इतना ही था, ठीक है, अब हम अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन पढ़ेंगे। नंबर लाइन पे कैसे हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को वहाँ पे लोकेट करते हैं, ठीक है, किसकी पोजीशन कैसे निकालते हैं, रूट टू को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे तो कैसे करेंगे, रूट थ्री को हमें नंबर लाइन पे शो करना है तो कैसे करेंगे, हमें किन्हीं दो रेशनल नंबर्स के बीच में
बहुत सारे पूछ देते हैं कि 8 रेशनल नंबर निकालिए, 9 रेशनल नंबर निकालिए, ठीक है, वो भी निकालना सिखाएंगे, ठीक है। और बाद में ये भी पूछ देते हैं कि 2 इरेशनल नंबर के बीच में 1 इरेशनल नंबर निकालो, ठीक है। तो काफ़ी सारा क्या है कुछ डिस्कस करने को, बट आज के लेक्चर में नहीं, आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।